जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। नीम करोरी मंदिर में महाराज जी के दरबार में दर्शनार्थियों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अच्छा, उनमें एक दरोगा भी आते थे बाबा जी के दर्शन के लिए। वो हमेशा अपनी घोड़ी पे चढ़ के आते थे। दरोगा जी की घोड़ी बड़ी ही बिगड़ैल थी। वो किसी को भी अपने ऊपर चढ़ने नहीं देती थी। अगर कोई चढ़ने की कोशिश करता था तो उसे गिरा देती थी। उस दरोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी इस घोड़ी पे बैठ जाएं, तो ये घोड़ी उन्हें भी गिरा देगी। अपने मन में इस भाव को छुपाकर उसने बाबा जी से घोड़ी के बारे में शिकायत कर दी। बाबा जी, ये घोड़ी किसी को बैठने नहीं देती। अगर मेरे अलावा कोई बैठे तो उसे झट से गिरा देती है। बड़ी ही बिगड़ैल है। परंतु अंतर्यामी सबके स्वामी नीम करोली बाबा से उस दरोगा के मन की बात कैसे छुप सकती थी। बाबा जी उसकी मंशा जान गए। एक दिन दरोगा जी घोड़ी की जीन लगाम खोलकर उसे पास के पेड़ पे बांध गए, तो बाबा जी बड़ी फुर्ती से उठकर उस घोड़ी के पास पहुंच गए और उस घोड़ी को खोलकर उसकी नंगी पीठ पे सवार हो गए। घोड़ी इधर उधर बेतहाशा दौड़ी और बार बार महाराज जी को गिराने की चेष्टा करने लगी। वहां के लोगों, गांव वालों के कथना अनुसार वो घोड़ी बड़ी देर तक उछल कूद करती रही, पर महाराज जी कभी उसकी पीठ पर तो कभी उसकी गर्दन पर और कभी उसके पेट से चिपक कर उसे लगातार दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे। काफी देर दौड़ने के बाद घोड़ी हांफ गई और उसके मुंह से फेन निकलने लगा। जब घोड़ी शांत हो गई तो बाबा जी उसके ऊपर से उतर गए और पुनः अपने आसन पे जाके बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर उस दरोगा ने उलाहना देते हुए कहा, महाराज जी, आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी। तूने क्यों सोचा था कि घोड़ी मुझे गिरा देगी? ये बात सुनकर दरोगा जी एकदम चुप हो गए। जय नीम करोली बाबा, जय भक्तों के रखवाले, जय मेरे स्वामी। बोलो नीम करोली बाबा की जय।